मेजर रेस्पेक्टेबिलिटी स्कोर को दिलाई अंत में जाके राहुल देवटिया ने। और आवेश खान, आवेश का जब जब होता है प्रवेश, मैच का बदल जाता है परिवेश। अब 144 बन चुके हैं, 145 बनाएंगे तो LSG वो पहली टीम बन जाएंगे। लेकिन अगर रोकने में कामयाब रहते हैं गुजरात टाइटंस तो वो नंबर वन के पायदान पे नजर आएंगे। टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया था गुजरात टाइटंस ने, 144 बनाए थे 4 विकेट के नुकसान में, मुश्किल है विकेट। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत निराश होंगे इस अपनी परफॉर्मेंस से। बल्लेबाजी में डेप्थ है इनके पास, एक्सपीरियंस है इनके पास, कुछ उभरते युवा खिलाड़ी है। लेकिन आज चुटकी एक न चली, कमाल का एक कॉन्टेस्ट देगा KL राहुल और मोहम्मद शमी के बीच में, जिसको अंत में मोहम्मद शमी ने जीता। विकेट डिकॉक को आउट किया था यश दयाल ने खूबसूरत आउट स्विंगर के साथ। और फिर मिडल ओवर्स में लखनऊ के सामने फिर गए गुजरात के टाइटंस। राशिद खान के लिए 4 विकेट, RSI किशोर ऑन डेब्यू, 2 सफलताएं उनके नाम। सीजन में सिर्फ दूसरी बार एक टीम रुकी है 100 के आंकड़े से भी नीचे। बहुत निराश रहेगी लखनऊ सुपर जायंट्स। ये क्वालिफिकेशन की दहलीज पे आके गुजरात टाइटंस ने दिए पटकनी और प्लेऑफ्स में अपनी जगह कर लिए पक्की।